हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल केयर। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी फंगल इन्फेक्शन से परेशान हैं? क्या आपको भी दांत खाद खुजली की समस्या होती है? जी हाँ दोस्तों, तो उसी के लेके आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं ल्यूलिकोनाजोल क्रीम के बारे में। जिन लोगों को दांत खाद खुजली फंगल इन्फेक्शन से की समस्या होती है, उन लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। जो ल्यूलिकोनाजोल होता है, ये एंटी फंगल मेडिसिन क्रीम होती है, जो कि ये एमिडाजोल कैटेगरी की होती है। एमिडाजोल एंटी फंगल क्रीम होती है, जिसका यूज़ दोस्तों वायरस टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है, जिसमें कई तरह के फंगल इन्फेक्शन होते हैं। ये क्या करता है, फंगल इन्फेक्शन को जो ग्रोथ होता है, फंगल इन्फेक्शन उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। अब देखते हैं दोस्तों, इसके कौन कौन से मार्केट में नाम से आते हैं ल्यूलिकोनाजोल। ल्यूलिकोनाजोल एक साल्ट होता है दोस्तों। ये ल्यूलिकोनाजोल जो होता है, ल्यूलिकैन के नाम से आती है, ल्यूलिटेक के नाम से आती है, ल्यूली फ्रेश के नाम से आती है, एंड ल्यूलिफिन के नाम से भी आती है, और अदर भी ब्रांड होते हैं जो इस तरह से मार्केट में मिलती हैं आपको। अब दोस्तों, ये जो ल्यूलिकोनाजोल होता है, ये क्या कैसे काम करता है? तो जैसे कि ल्यूलिकोनाजोल जिन लोगों में दोस्तों फंगल इन्फेक्शन की समस्या होती है दांत खाद खुजली की, जैसे कि दोस्तों रिंग वार्म हो गया बॉडी के किसी पार्ट में, जैसे कि राउंड टाइप के वार्म जो होते हैं, उन कंडीशन में दोस्तों इसका यूज किया जाता है। या दोस्तों जिनके पैरों में, फुट में रिंग वार्म हो जाता है, तो उनको भी इस कंडीशन में दिया जाता है, ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा करता है। जी हाँ दोस्तों, जिनके पैरों के टॉयज में, यानी कि जो पैरों की उंगलियां होती हैं, उसमें अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है, दिया जाता है। या दोस्तों आपके ग्रोइन एरिया में किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि ग्रोइन एरिया वो एरिया होता है जो आपके थाई के जो बीच का एरिया होता है, इधर देख सकते हैं स्क्रीन पर आप, उस एरिया में अगर किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है, तो उसमें भी दिया जाता है, जिसको दोस्तों जैकिस बोलते हैं या क्योरिस बोलते हैं, टाइनिया क्योरिस बोलते हैं। ये दोस्तों इसके यूज होते हैं। दोस्तों ये काम किस किस फंगल इन्फेक्शन फंगस पे करता है, तो जैसे दोस्तों आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं, ट्राइकोफाइटॉन हुआ फंगल या फंगस, या दोस्तों रूबरम हुआ, या आपको माइक्रोस्पोरम गैप्सियम हुआ, या दोस्तों एपिडर्मोफाइटॉन फ्लोकोक्सम हुआ, इस ऐसे तरह के अगर फंगस हैं, तो इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट करता है, बहुत अच्छा फायदा करता है, ऐड करता है उस पर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो जो ल्यूलिकोनाजोल होता है दोस्तों, ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं, जो डेवलप होते हैं, उनको क्या करता है, डेवलप होने से रोकता है दोस्तों। ये एक क्या होता है, हमारे बॉडी बैक्टीरिया के सेल में क्या होता है, एक एर्गोस्ट्रॉल होता है, प्रोडक्ट होता है, जो कि बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो क्या करता है दोस्तों, जो ल्यूलिकोनाजोल होता है, वो एर्गोस्ट्रॉल को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे कि सेल मेम्ब्रेन का डेवलप नहीं होता है, और इस तरह से बैक्टीरिया जो फंगस होता है सेल मेम्ब्रेन, धीरे धीरे सेल जो फंगस होता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है दोस्तों। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, तो आप कुछ सावधानियां रखें, जैसे कि आपका अंडरगारमेंट हुआ, शॉप हुआ, या आप तक का तौलिया हुआ, वो आपको हाइजेनिक रखना है, हमेशा साफ़ सुथरा रखना है। और दोस्तों आप लूज़ कपड़े पहने, जब ज़रूरत हो अंडरगारमेंट की तभी पहने, खुले वातावरण में रहें। और दोस्तों आप जो अपने कपड़े हों, उसको दोस्तों स्टरलाइज कर लें, जैसे कि उबाल सकते हैं पानी में 10 से 15 मिनट के लिए। बात करें दोस्तों ल्यूलिकोनाजोल के वार्निंग के बारे में, तो अगर दोस्तों जो बच्चा 12 साल का नीचे है, 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको नहीं देना है, अवॉइड करना है। या दोस्तों और अपने आँख के नीचे चारों तरफ, या नोज़ या लिप्स में लगाते समय बचाव रखें, कहीं यहाँ ना लगे। और इसके बात करें अप्लाई करने का तरीका, तो अप्लाई करना जो है दोस्तों, आपको 2 से 3 बार अप्लाई करना, दिन में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। आपको अच्छे से हैंड, अपने जो हैंड होता है, अच्छे से फिंगर टिप्स को साफ कर लें, फिर उसके बाद अफेक्टेड एरिया में लगा सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो साइड इफेक्ट जो होता है दोस्तों, आपको ड्राइनेस हो सकती है उस एरिया में जहां लगाते हैं, या स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, या दोस्तों इचिंग हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है जिस उस अफेक्टेड एरिया में जहाँ आप लगाए हैं। ये इसके दोस्तों साइड इफेक्ट होते हैं ल्यूलिकोनाजोल के। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आए होगी ईजी लैंग्वेज में। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।